तो भाई रिजल्ट को लेकर के मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों की बेसब्री बेचैनी बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई है। तुम लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में। एक्चुअली मैं इस वक्त कुछ काम से, बहुत अर्जेंट काम से मैं बाहर आया हूँ, और तुम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर डीजी लॉकर पे लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने कोई वीडियो सुबह से नहीं बनाया, अपडेट दीजिए। तो बच्चों मैं एक बात बता दे रहा हूँ, डीजी लॉकर पे लगातार कमेंट्स जो है वो तुम लोग देखते रहोगे, वो आते रहेंगे, और वो आने का वजह भी है। वजह क्या है कि देखो सीबीएसई ने जो है ना अपने रिजल्ट जो है वो मार्कशीट वगैरह देने के लिए कोलैबोरेशन करके रखा हुआ है, किसके साथ में, डीजी लॉकर के साथ में। सीबीएसई ने डीजी लॉकर के साथ कोलैबोरेट कर रखा हुआ है, सीबीएसई ही नहीं जितने भी बोर्ड्स हैं सबने किया हुआ है। भारत सरकार का ये एक तरह से समझ लो कि अफिलेटेड है ये, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स बड़े सेफ रहते हैं। तो तुम्हारे मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सब यहीं आएगा, ठीक है। अब नेचुरल है, अभी अभी जो तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, पहले तो मैं उसका अपडेट दे दूं, एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है #कमिंग सून। कमिंग सून जो है ये अब फ्लैश होना शुरू हो चुका है डीजी लॉकर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, फ्लैश होना शुरू हो गया कमिंग सून। और तुमको पता है यार, कमिंग सून का मतलब होता है कि रिजल्ट जो है वो अब कुछ भी स्थिति में पहुंच सकता है, जल्दी आ सकता है, वो तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। वैसे 12 मई का डेट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, जितने भी गूगल में तुम देखोगे, न्यूज़ चैनल्स देखोगे, सब जगह 12 मई का एक हवा चढ़ा हुआ है। तो देखना तो पड़ेगा, हो सकता है कि कल कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाए। लेकिन कमिंग सून का जो एक नोटिस है वो आ चुका है, और मैं तुमको पढ़ के सुना रहा हूँ। #CBSEClass10 and 12 students, योर रिजल्ट्स आर #कमिंग सून ऑन डीजी लॉकर, डोंट मिस आउट, साइन अप फॉर योर डीजी लॉकर अकाउंट फॉर इजी एक्सेस। और इसके बाद में एक और सर्कुलर यहाँ पे जारी हुआ है, #CBSEClass10 and 12 students, #DigiLocker has created a special setup for convenient access to results। मतलब काफी सारी चीजें लगातार आ रही हैं, और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यार कि इस वक्त जो है ना CBSE जो है वो काफी फुल ऑन मोड पर आ गया, लगातार अपने सर्कुलर जारी कर रहा है, नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। मतलब रिजल्ट जो है वो किसी वक्त भी तुम लोगों के लिए जारी हो सकता है, ठीक है। बस ये है कि तुमने सिक्योरिटी पिन जो है वो लिया कि नहीं लिया, क्योंकि तुमको तुरंत जो है वो डिजी लॉकर पे रिजल्ट आने का एक और वजह, दो वजह होते हैं। पहला वजह सुन लो। पहला वजह होता है कि वेबसाइट क्रैश होता है। अब भाई 39 लाख स्टूडेंट्स ने क्लास 10 12th में वो अपीयर हुए हैं, रिजल्ट देखने का भीड़ रहेगा, वेबसाइट क्रैश होने ही होना है, तो इसीलिए वहां से भीड़ हटे, इसलिए डिजी लॉकर पे सीबीएसई ने कोलैबोरेट कर लिया डिजी लॉकर से, ठीक है। तो तुमको डिजी लॉकर से तुम्हारा जो है वो रिजल्ट मिल जाता है बिना हॉचपॉच के, ठीक है। दूसरा बात ये कि जब तुम तुरंत अपने एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ते हो तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ या पासिंग सर्टिफिकेट हुआ, मार्कशीट हुआ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है स्कूलों में। तो इसी वजह से जो डीजी लॉकर पे तुम्हें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, चाहे वो माइग्रेशन हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, ये ओरिजिनल मिलता है, और इसको तुम कहीं पर भी, मतलब ये वैलिड है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी तुम यूज करोगे सब जगह वो यूज हो जाता है, ठीक है। मतलब दिक्कत नहीं आता है इस चीज को करने में, ठीक है। तो वो चीज़ तुमको वहां से अवेल हो जाएगा। तो इसीलिए तुमने अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन लिया कि नहीं लिया, मुझे जल्दी से बताओ। ले लिया है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ले लिया। बहुत बच्चे लिख रहे हैं उसमें भी कि सर अभी तक स्कूल वालों ने दिया नहीं है। नहीं दिया है तो बच्चों जाकर के ले लो, ठीक है, ले लो, क्योंकि उस पे अकाउंट बना करके रखना, उस 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन के बिना तुम्हारा जो है वो अकाउंट नहीं बनेगा डिजी लॉकर पे, तो वो बना लो, ठीक है। और रही बात रिजल्ट के डेट की, तो मैं तुमको बता चुका हूँ, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना दे रहा हूँ, तुमको अपडेट्स दे रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट मुझे लगता है कि कमिंग सून हो गया, मतलब आने को है। 20 तारीख सिर्फ सीबीएसई ने एक लॉलीपॉप पकड़ाया है 20 तारीख का। 20 तारीख तो किसी हालत पर नहीं आएगा, क्योंकि तुम आईसीएसई बोर्ड का भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अभी तुम्हारा लेटेस्ट में अभी तमिलनाडु का भी कमिंग सून का नोटिस आ गया, नोट कमिंग सून का ट्वीट हो गया, मतलब उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा, भले ही वो 2 दिन में आए, 1 दिन में आए, 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, ठीक है। तो मतलब रिजल्ट हम कभी भी देख सकते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ तुम कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया, और सबको गुड विशेस दे दो यार, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। होप सो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इवनिंग में तुम लोगों के लिए अपने स्टूडियो से बनाऊंगा, ठीक है। ओके अभी के लिए बस इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लेना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चलो।